खाना गीता में कहते हैं सूखे रूखे कड़वे खट्टे बासी तमो प्रधान खाना है। रस वाले घीले मना रस वाले ताजे अभी बनाया कहते हैं 40 मिनट तक बना हुआ खाना रख सकते हो 40 मिनट के बाद आधा पावन घंटे के बाद शरीर खाने में जर्म्स बन जाते हैं, फंगस आ जाती है, खराब हो जाता है। कम से कम 40 मिनट रख सकते हो। अभी बनाने का आज बनाया, दो दिन के बाद खाया तो क्या होगा? तो इसलिए कहते हैं खाना सूखा खाया, पकोड़ा खाया तो क्या ऐसा निकलो तो क्या निकलेगा? तेल निकलेगा। हमको ये शरीर में क्या मिलता है? जो भी कुछ खाते हो रस से शरीर चलता है, खून से चलता है। सूखा खाना नहीं, रस वाला चाहिए। सूखा रूखा कड़वा खट्टा बासी तमो प्रधान, सतो प्रधान खाना क्या? रस वाला चाहिए और ताजा चाहिए, सतो प्रधान। क्योंकि शरीर जो भी खाते हो रस मिलता है, बाकी सब वेस्ट। तो रस वाला खाना का सूखा सूखा नहीं। तो इसके वजह सत्व प्रदान जैसा अन्न वैसा तन, तन को भी स्वच्छ खाना चाहिए। बीमारी होने का कारण देखो, आप मैदा बिस्किट ऐसे चीजें खाते हैं ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, अंदर चिपक जाता है, आतुड़ी के अंदर चिपक जाता है। रस वाला चाहिए। तो इसके लिए बीमारियों का कारण क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आजकल तो हर चीज में दवाई डालते हैं, खाद डालते हैं, केला हो फल हो हर चीज गर्म पानी से धो करके यूज करना चाहिए। हर सब्जी को भी खाद डालते हैं, तो खाद माना क्या है? विष है। एक एक बूंद विष अंदर जाता रहे, एक एक दिन में एक एक बूंद गया कितना होगा पता नहीं चलता है। तो इसके लिए अनाज सब्जी फल बहुत अच्छी तरह से गर्म पानी से धो करके खाना चाहिए, सात्विक अन्न चाहिए। तो शरीर के अंदर बीमारी होने का कारण क्या है, शरीर को कैसा अन्न देना चाहिए।